हाय गाइस, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? ये देखिए भोपाल का मौसम, और बादल बहुत हो रहे हैं, लेकिन बारिश उस हिसाब से नहीं हो रही है। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, तेज़ बारिश नहीं हुई है अभी तक। और ये देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है, बादल हैं और हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी, बड़ा अच्छा सा लग रहा है। और गर्मी भी है साथ में, गर्मी भी हो रही है इतनी सब मौसम होने के बाद भी, क्योंकि बारिश नहीं हुई है अभी तक यहाँ। और मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, और इसके साथ ही मैं क्लीनिंग कर रही थी मिक्सर की, जिस जो कि हमारी बहुत ज़्यादा नीड है हमारी भी एक तरीके से। और ये जो मिक्सर है इसने बहुत रमज़ानों पर साथ दिया, इसकी डीप क्लीनिंग काफ़ी टाइम से नहीं हुई थी, तो मैं इसकी डीप क्लीनिंग कर रही थी आज। तो बस उसका भी मैंने थोड़ा सा शूट लिया कि किस तरीके से मैं करती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैं पूरी उसकी डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, सब सफाई अच्छे से, जो कि काफ़ी टाइम से हो नहीं पाई थी उसकी सफाई। बस ऐसे ही हल्का फुल्का उसको साफ़ करके ऊपर से रख देते थे अंदर से सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें आपके काम होते हैं, आप संभालते हो घर को और आपके यूज़ की चीज़ें हैं, तो इनकी केयर भी आपको ही करनी चाहिए। तो इसके जो मतलब सफाई है, सफाई के साथ में इसको थोड़ा सा मतलब हम अच्छे से उसको क्लीनिंग करें, और उनकी अच्छे से ऑयलिंग ग्रीसिंग वगैरह जो हम कर सकते हैं, कुछ काम हमें खुद भी कर लेने चाहिए। शोहर होके हस्बैंड्स के भरोसे नहीं रहना चाहिए, उनके लिए हर काम नहीं रखना चाहिए, खुद कुछ काम खुद भी करें आप लोग। मैं भी बहुत करती हूँ, तो मेरे हस्बैंड इस मामले में बहुत खुश रहते हैं कि मेरी वाइफ को तो सब आता है, वो सब काम ज़्यादातर खुद कर लेती है। तो ये मेरे साथ में लोइज़ा भी हेल्प करवा रही थी, उन्हें बड़ा शौक आता है अक्सर कि जब मैं कभी शूट कर रही हूँ, कुछ काम कर रही हूँ, तो कहती हम भी करवाएंगे, हम भी देखेंगे। तो वो भी थोड़ी सी आ गई कि बस क्लीनिंग करते हुए हमारा शूट ही हो जाए, कुछ नहीं तो। बाकी इसकी खूब अच्छे से, क्योंकि बहुत दाल बनने में आई है रमज़ान उभर, तो ये सब गंदी हो रही थी, थोड़ी आवाज़ भी कर रही थी, तो मैंने सोचा अच्छे से साफ़ करके थोड़ा सा इसमें ऑयल वगैरह डाल दूँ। तो बस यही सब मैं इसको कर रही थी, अच्छे से उसकी डीप क्लीनिंग करी सब, और सब साफ़ करके वापस से मैंने उसको फिट कर दिया, और उसको चेक करने के लिए मैंने कहा चलिए क्या करें, तो ब्रेड क्रम्स बनाने थे मुझे, तो मैंने कहा चलिए ये बना लेते हैं। मेरी एक फ्रेंड ने कहा भी है मुझे उसकी रेसिपी शेयर करने के लिए, अगर आप लोग भी चाहते हैं तो बताइएगा कमेंट्स करके, तो मैं इंशाल्लाह कर लूँगी इसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर। और बिल्कुल हमारी मिक्सर जो है फर्स्ट क्लास हो गई है, बहुत अच्छी, जो कि आवाज़ इसमें आ रही थी और वो आवाज़ भी बिल्कुल नहीं आ रही थी, तो ये बहुत अच्छे से वर्क कर रही है अब। और साथ ही मैं बना रही थी दो प्याज़ा, तो दो प्याज़ा की भी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और ये रेसिपी पता है मुझे पहले पसंद नहीं थी, बहुत सारी प्याज डलती है, बच्चों को बड़ी उलझन लगती है, बच्चे पसंद नहीं करते हैं इसको, क्योंकि थोड़ी सी ये मीठी लगती है ना टेस्ट में, प्याज ज़्यादा होती है तो। हालांकि ये मिर्चें भी इसमें बहुत अच्छा टेस्ट देती हैं, उतरती है इसकी तेज़ी, लेकिन बच्चों को पसंद नहीं, हमें भी पसंद नहीं थी बचपन में, पहले समझ में नहीं आ रहा था टेस्ट की क्या चीज़ है, क्यों बनता है ये, तो बस अब अच्छा लगने लगा है। तो मैं इसकी रेसिपी इंशाल्लाह कुक लाइक शहला पे शेयर करूँगी, अपलोड कर दूँगी इसकी रेसिपी वहाँ पर, तो आप लोग वहाँ से इसकी देख लीजिएगा जो भी बनाना चाहें, क्योंकि मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि आप बताइए, और मैं इंशाल्लाह सबकी रेसिपी जो भी कमेंट्स कर रहे हैं आप लोग, बहुत जल्दी इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि अपलोड करूँ उसके वीडियो बना के। और साथ ही बच्चों को क्रेविंग हो रही थी मैगी की, तो बस बच्चों के लिए बन रही है मैगी, क्योंकि बच्चों को बड़े नखरे आते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि दो प्याज़ा नहीं खाना, सुन के ही वो हो जाते हैं कि और ये प्याज है इसमें, ये सब नहीं खाना। इसमें भी मैंने बहुत वेजी डाली, तो वो उसमें भी वो हो गई लोइज़ा और सब लोग, अरे इसमें तो इतनी सारी वेजी हैं, नहीं नहीं हमें नहीं खाना है, क्या बना डाला आपने, वरना हम लोग सादा पसंद करते हैं, लेकिन मैंने फिर भी इसमें डाल दिया था, आप देखिए खुद खाते हैं। खड़े हो, नजर लगा रहे हो, इधर देख, तो खाने तो दो फॉक से, जोहान कैसा है? हेलो,
टेस्टी। जोहान, यम्मी, टेस्टी। यूं कर दो, यूं कर दो। टेस्टी है। हेलो। कॉक कॉक चाहिए। मुझे मुझे देख के तो बुखार आ गया होगा। चाची कितने प्यार से देने लगा। तो देखा आपने, पहले तो कितने नखरे हो रहे थे कि वो वेजिटेबल्स हैं इसमें, कि सारी वेजेज हैं, हमें नहीं खाना, और अब देखिए कितने शौक से खा रहे हैं। तो इसकी भी मैंने कुछ इसमें स्पेशल डाला था, तो जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा पसंद आया इस बार। तो मैं इंशाल्लाह इसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी अपने चैनल पे। और ये देखिए हमारा मौसम हो गया है जैसा हम चाहते थे, थोड़ा थोड़ा पानी गिरने लगा है, हल्के हल्के बूंदाबांदी, लेकिन फिर भी उतनी तेज़ नहीं हुई है। बच्चे आए हैं बाहर कि हम कुछ नहा लें, मस्ती कर लें, लेकिन फिर भी वो उस हिसाब की बारिश नहीं हो रही है। बच्चे इंतज़ार कर रहे थे, बार बार देखते थे, थोड़ा सा बारिश तेज़ होती थी, बच्चे बाहर आ जाते थे सब के इंजॉय करें, फिर भी वो मज़े ले रहे थे हल्की फुल्की सी जो बारिश हो रही थी उसके, और वेट कर रहे थे कि बारिश तेज़ हो जाए तो हम नहा लें, क्योंकि अभी तक हमारे इधर बारिश नहीं हुई थी, बस मौसम बन रहा है लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। बच्चों को बहुत मज़ा आता है पानी में, बहुत खुश होते हैं वो देख के कि बारिश हो, हम नहाएं। हम लोग भी बहुत खुश होते थे बचपन में, सभी होते हैं वैसे तो, सभी को बहुत अच्छा लगता है ना, सब खुश होते हैं देख के बारिश में, सबको किसको पसंद नहीं आएगा पानी, बारिश, यही तो मौसम होता है। तो मेरा गला अभी से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो ये देखिए बारिश हो गई इंतज़ार के बाद। बच्चों को, बच्चे कितने खुश हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं।
तो देखा आपने बच्चों ने कितना एंजॉय किया, कितना नहाए हैं, कितनी मस्ती की है उन्होंने, और अभी भी मतलब काफ़ी देर ये सब किया है इन लोगों ने। और साथ ही ये मैंने अभी रमज़ानों में तो कुछ किया नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलिए मेरा स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, इतना ऑयल खाने से पिंपल्स भी हो गए हैं और ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स सब कुछ हो रहा है, बहुत ज़्यादा ख़राब स्किन हो रहा है। तो मैंने सोचा ये चारकोल मास्क लगा लेती हूँ, तो मैं लगा रही थी तो मैंने कहा चलिए आपके साथ थोड़ा सा शेयर करते हैं, अगर कोई चाहेगा लगाना यूज़ करना तो बिल्कुल यूज़ कर सकता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ और मेरे मतलब काफ़ी मेरे फैमिली में मैंने लोगों को रिकमेंड किया है कि हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा है, उन लोगों ने भी यूज़ किया, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। तो आपके जो ये थोड़े थोड़े सा रुआ जो मेरे चेहरे पे होता है हल्का हल्का सा, ये सब भी साफ़ हो जाता है इससे, और आपके जो ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स होते हैं, डेड स्किन होती है, वो सब सही हो जाती है और वो भी निकल के आ जाती है। इम्प्योरिटीज़ जो भी होती है ना, ये चारकोल है तो ये खींच लेता है, तो बड़ा अच्छा। ये लोहे का कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ, सब इतना देखना चाह रही थी, पढ़ना उनके कुछ समझ में नहीं आएगा, मैंने कहा ये लैंग्वेज है उनकी, बट जो भी है, लेकिन ये चीज़ अच्छी है। 100 रुपीज़ का मैंने इसको बाय किया था, परचेस किया था, तो ये बहुत अच्छा है 100 रुपीज़ के हिसाब से, मुझे ठीक लगा काफ़ी। तो मैं लगा रही थी तो मैंने कहा चलिए आपको दिखाती हूँ, ये मैंने देखिए हाथ पे लगाया हुआ है थोड़ा सा दिखाने के लिए आपको, तो थोड़ा सा वो कई बार क्लियर नहीं हो पाता है, फोकस उसका है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको दिखाऊँ सही तरीके से। तो काफ़ी अच्छा स्किन हो जाता है, स्मूथ सा, बिल्कुल आपका चिकना सा, स्मूथ सा, अच्छा सा लगने लगता है, फेयर फेयर स्किन। अब जब मुंह धो के आते हैं ना, इसको निकालते के साथ ही आपको बड़ा डिफरेंट सा आपको फील होता है। देखिए हाथ पहनने में कितना स्मूथ लग रहा है, लोहे भी कह रही है मम्मा काफ़ी स्मूथ लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है आपका ये स्किन हाथ पहनने में। तो ये देखिए इसमें कैमरे में सही से फोकस नहीं हो रहा, क्लियर नहीं दिख रहा आपको, नहीं तो मतलब एक हल्का सा शेड फ़र्क दिखता है लगाने पर, इसको निकालने पर तो फ़र्क तो लगता है। तो बस ये मैंने लगाया था, और लेकिन ये है ना, इसको लगाते वक्त भी हल्की सी मतलब कुछ आँखों में जलन सी मतलब महसूस होती है, जैसे ब्लीच लगाते हैं तब भी लगता है कुछ कुछ महसूस होता है अपन को, तो कुछ ऐसा लगता है। और निकालते वक्त फ्रेंड्स थोड़ी सी तो तकलीफ़ होती है, क्योंकि इसमें हमारा रुआ जो होता है, बाल होते हैं हमारे फेस पर, वो निकलते हैं, रेड स्किन निकलता है, ब्लैक हेड्स वगैरह निकलते हैं, ये अच्छे से चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है हमारे स्किन से खूब, तो भी निकलता है ना थोड़ा सा तो लगता है। मेरे ये पिंपल्स हो गया था, ये वैसे पिंपल्स वाली जगह पे लगाना नहीं है इसे, लेकिन ये ठीक हो गया, सिर्फ निशान बचा है, तो इसलिए रेड रेड ज़्यादा, और वैसे मेरी स्किन रेड भी हो जाती है ये सब चीज़ें करने में, थोड़ी देर के बाद नॉर्मल होती है। तो मैंने कहा चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ थोड़ा सा, ये अगर आप लोगों के काम आ जाए, कोई यूज़फुल रहे ये मेरा वीडियो, तो प्लीज़ मुझे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करके बताइए, और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लीजिए, और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स और अच्छे अच्छे वीडियोस, रेसिपीज़ और जो भी मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं ख़ुद पे ट्राई करती हूँ वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैं, और जो जेन्युइन बात होगी वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो बनाने के लिए या कुछ भी ऐसा नहीं आपको बताऊँगी गलत सलत, तो आप बिल्कुल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए, ताकि और अच्छे अच्छे जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं और मेरी जो नॉलेज है, यूज़फुल आपकी कोई मतलब बात है ऐसी जो मैं बताना चाहती हूँ, हो सकता है आपके काम आ जाए। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा, आपको अगर आप यूज़ करते हैं ये तो आप अपना जो एक्सपीरियंस है वो भी मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको कैसा लगा यूज़ करने पर, अच्छा लगा या नहीं लगा, क्योंकि सबकी एक पसंद होती है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट होती है, ऐसा नहीं है कि सबकी पसंद एक ही हो सकती है, कुछ चीज़ें होती हैं जो मुझे पसंद है, ज़रूरी नहीं है आपको भी पसंद आए। तो जो भी हो फिर भी कमेंट्स तो करके बताइए, अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना, जब आप लोग अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया कमेंट्स देते हैं ना, बहुत खुशी होती है मुझे पढ़ के, अच्छा लगता है कि अरे वाह कि कोई आपको एडमायर कर रहा है, पसंद कर रहा है। तो ये देखिए आपको दिख रहा है मेरा स्किन थोड़ा सा अच्छा अच्छा सा लग रहा होगा, साफ साफ सा, और ये देखिए वाइट वाइट सा जो दिख रहा है ना, ये ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं ये तो है ना, और स्किन की जो मतलब डेड स्किन होती है ना वो है, ये जो वाइट वाइट सा दिख रहा है ना आपको, मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं इसको फोकस करूं, आपको दिखा दूं, बट ये हो नहीं रहा था। फिर भी आप ये देखने की कोशिश करिएगा कि ये जो वाइट दिख रहा है ना ब्लैक पे, ये है मतलब डेड स्किन और ब्लैक हेड्स वगैरह है, तो ये आपकी स्किन काफ़ी साफ़ कर देता है, काफ़ी क्लियर हो जाती है।
तो आप बिल्कुल आप यूज़ करना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि कैसा होगा, तो बिल्कुल मैं रिकमेंड करूँगी, अच्छा है, बढ़िया है, आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। इस कॉस्ट पे इतना मिल रहा है, काफ़ी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अच्छा वाला लेंगे तो और अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है आपको। तो बस यही सब कुछ था आज के व्लॉग में। आपको पसंद आया हो तो, और आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। और यूज़ करिए ये, अगर यूज़ करें तो भी बताइएगा मुझे। कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं था, कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ मैं किसी भी चीज़ का। यूज़ किया था, यूज़ कर रही थी मैं, तो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया अपना एक्सपीरियंस। अदरवाइज़ और ऐसा कुछ नहीं है इसके अलावा। ये देखिए मेरा हाथ कितना साफ़ सुथरा सा लग रहा है। और साथ ही करते हैं इसी के साथ ब्लॉग का एंड। अभी आप देखिए जोहान की मस्ती, बहुत दिनों से जोहान का कुछ नहीं डाला था मैंने वीडियो में कुछ ऐसा। तो ये जुमे के दिन, फ्राइडे के दिन जोहान इस तरह से दिखते हैं, बस थोड़ी देर के लिए दिखते हैं ऐसे, उसके बाद तो उनको बिल्कुल ठीक से रहना पसंद नहीं आता। क्या करते हैं अब आप खुद देख लीजिए। चलिए इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, रिमाइंडर। चलिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। जोहान पहन लो थोड़ी देर के लिए।